नमस्कार, मैं हूं अरविंद। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, फील द चेंज, खबरें वही जो हो सही। पूर्व विधानसभा युति के उम्मीदवार रुपेश मात्रे ने अपने चुनाव प्रचार की महारैली का आयोजन कर पूरे परिसर में जनता के बीच जाकर नतमस्तक होकर अपने चुनाव चिन्ह पर वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील की, तो वहीं पर इस रैली में सभी समर्थकों ने अपनी अपनी राय रखी। आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रान। आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रान। ए भगवे आमचे रक्त तळपतो तत्त हिंदवी बाणा। अरे भगवे आमचे रक्त तळपतो तत्त हिंदवी बाणा। जात गोत्र अन धर्म आमचा शिवसेना शिवसेना दिले शौर्याचे आई भवानीने आमास। खड्ग घेऊन हाती धरली हिंदुत्वाची कास। लाल किल्ल्यावर भगवा फडको लाल किल्ल्यावर भगवा फडको हाच एकला ध्यास। महाराष्ट्र धर्म वाढवा सांगतो शिवबांचा इतिहास। बस पुरे आता आज सवेरे से रैली में जितने लोग पकड़ा करके आए हुए हैं, यहाँ पे हमारे माजी नगर सेवक सुनील बाबू, आप आपको पता है कि यहाँ पे कोई हमारे विरोध है नहीं। हकीकत भी यही है, आज आप देखो यहाँ पे जो 2017 के इलेक्शन में जो लोग थे, यहाँ पे जो विरोध थे, जो चुन के आए, जो हरे, वो सब यहाँ इस रैली में शामिल है। पद्मनगर में अभी आपको मैं बताऊंगी कि आप पीछे रैली का ही शूटिंग करेंगे तो आपको रुपेश यादव का क्या है वो समझ में आ जाएगा। हमारा शक्ति प्रदर्शन देख के आपको समझ में आएगा कि हमारी सीट कंफर्म हो रही है। हमें सभी का पूरी तरह के साथ मिल रहा है और हमारी सभी जो पक्ष है, मित्र पक्ष, वो सब एक साथ काम पे लगे हुए हैं। तो रुपेश यादव की आज की रैली देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि ये विजयी रैली समझ के चलिए, सीट कन्फर्म हो रही है। युति के सभी कार्यकर्ता बड़ा बड़े पैमाने में आज यहाँ पे रैली में आपको दिख रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि इतने लोग इधर से जुड़े हैं उनको हम किधर भी वोटिंग में या जो परसेंटेज में किधर कम गिरेंगे ऐसे मुझे नहीं लगता। आप अभी देख रहे हैं कि पद्मा नगर में जो रैली चालू है माननीय अहमदाबाद रुपेश दादा मात्रे साहब की, और यहाँ पे पूरा जलोस से यहाँ स्वागत हो रहे हैं। हम लोग ये अहमदाबाद की का इलेक्शन नहीं इधर दे, ये हम लोग पूरे मतदाताओं को ये बोल रहे कि दादा का ये हैट्रिक है, और हैट्रिक होने के बाद में यूएनडी के अंदर 101 तक का मंत्री पद जो है या राज्य मंत्री पद ये अपने लिए आने वाला है। तो आप सब जो लगा के दादा को इतने वोटों से जिता के देखे हो कि ये पूरे अपने महाराष्ट्र के अंदर एक सबको मैसेज देना चाहिए। जो तेलुगु समाज से मैं 15 साल से जुड़ा हूँ, वो तेलुगु समाज को मैं आज नहीं 15 साल से मैं जानता हूँ, क्योंकि उनको जो प्यार बांटेगा तो प्यार मिलता है, और जो गलता नहीं करता है ना उनके साथ में मिलने लोग बोलते हैं कि तेलुगु समाज ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं बोलता हूँ तेलुगु समाज के लोग अच्छा समाज नहीं है। इधर रुपेश मात्रे के लिए 100% सहयोग रहेगा, और लोग सोच रहे होगा 50-50 होता है, वो 50-50 कुछ नहीं है, यहाँ पर 100% भी रहेगा।
संदेश दे रहे कि ये जो रैली है और जो आज का माहौल है वो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब लोग समझ गए होंगे और पूरा महाराष्ट्र में और ठाणे जिले में वो आज की रैली देख के ही सबकी आवाज़ बंद हो गई, कुछ लोगों को रैली बंद हो गई आज।